हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज 1 से 10 तक गिनती। क्या लेकर आई हूँ? 1 से 10 तक की गिनती यानी काउंटिंग। आपने काउंटिंग किस में पढ़ी है? अंकों में पढ़ी है, अंकों में। तो आज हम यहाँ 1 से लेकर 10 तक अंकों में, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पर क्या करेंगे? रीड करेंगे और उन्हें पहचानेंगे कि उनकी जो स्पेलिंग्स है उनको कैसे लिखा जाता है, स्पेलिंग को, ठीक है? तो आइए, आप ये देख रहे हो स्क्रीन पर, ये जो इस तरह हम लिखते हैं 1 2 3, ये होती है आपकी अंकों में। किसमें होती है ये? आपके अंकों में। क्लियर? ये आपकी हिंदी में लिखी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जो ये लिखी है ना आपकी, ये होती है हिंदी में गिनती। देख रहे हो आप, ये होती है क्या? हिंदी में गिनती। लेकिन इन्हें अब हम जैसे जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, क्योंकि हमने इस एज में, जैसे कि हमारे जो सेंचुरी है उसमें हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें आती नहीं। हमने सीधा यहाँ से पढ़ना शुरू किया, 1 2 या फिर 1 2 इस तरीके से, या फिर स्पेलिंग के साथ, ठीक है। इन ये वाली तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो ये होती है हिंदी में, ठीक है। वो भी इसके बाद हिंदी में है, वो अंकों में, ये इंग्लिश में। क्लियर? अंकों में सबसे पहले वन क्या है? वन। तो वन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक। तो एक क्या लिखा यहाँ? एक। और वैसे ही फिर हिंदी में यहाँ ये लिखा है, उसके बाद इसकी स्पेलिंग होगी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओ एन ई वन। क्या बन गया था बच्चे? वन। अब यहाँ ये क्या लिखा है? दो यानी टू। दे ओ दो, फिर यहां पर आपका दो इंग्लिश में, टी डब्ल्यू ओ क्या बन गया? टू। टी डब्ल्यू ओ टू। अब यहां पर क्या लिखा है? थ्री यानी कि तीन, यंगों में अब हिंदी में तीन, ये तीन आपका TH REE क्या बन गया? थ्री। इंग्लिश में होता है थ्री। ये क्या है? चार। चार। फिर आपका ये है चार। F इंग्लिश में OUR क्या बन गया? फोर। हिंदी में पांच, ये आपका अंकों में पांच, हिंदी में पे आ, और ऊपर ये देखो चंद्र बिंदु, छ पांच, ये पांच है आपका। और इंग्लिश में FIVE फाइव, क्या बन गया? फाइव। FIVE फाइव। ये छ, छ है छ, लेकिन इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, छ, ठीक है। और ये आपका छ, ये क्या हो गया? SIX क्या बन गया बताओ? सिक्स। ये क्या है? सात। से आ सात, ये आपका सात। इंग्लिश में SEVEN क्या बन गया? सेवन। नेक्स्ट, अंकों में आठ, आठ है, आठ आपका आठ ये है। एक और इंग्लिश में EIGHT एट, EIGHT एट। नो अंकों में और हिंदी में ने ओ नो, ने ओ नो, नो ये इंग्लिश में NINE क्या बन गया? नाइन। NINE नाइन। नेक्स्ट है आपका 10, 10। दे से 10, ये आपका हिंदी में। उसके बाद TEN क्या बन गया? टेन। TEN टेन। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो 1 to 10 तक हिंदी में और इंग्लिश में अंकों में क्या थी? गिनती, आपकी काउंटिंग हमने कंप्लीट की है, विद स्पेलिंग्स रीड की है। आप भी इन्हें एक बार और रीड करके देखना, जिससे आपको भी अच्छे से इनकी पहचान हो जाए। और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, और हमारा ये जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।